बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, वैसे तो आज मैंने लीज करवाना था बढ़िए के बाजवा की और बाकी आवाम की पुजूर फरमाइश पे हम कर रहे हैं आज कंसोलिडेटेड पीएनएल, ताकि इसको भी खत्म करें। अच्छा भाई, कंसोलिडेटेड बिल्कुल ठीक जानी, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने का मैं तुम्हें तरीका बता दूं वापस से एक और बार। आपको सबसे पहले ये पता है, जैसे बैलेंस शीट दोनों एंटिटीज अपने अपने हिसाब से बनाती हैं, वैसे ही पीएनएल भी अपने अपने हिसाब से बनाती हैं। तो अभी जो हम सवाल करेंगे तो प्लीज उसमें ख्याल रखना, उसमें बैलेंस शीट पीएनएल दोनों मांगा है। और सब्सिडी को एक्वायर किया गया कुछ सालों पहले और पीएनएल बन रहा है कुछ सालों के बाद, यानी बैलेंस शीट में एज एट तक की चीजें आएंगी और पीएनएल में फॉर द ईयर की आएंगी, ये बात याद रखिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि जब आप बैलेंस शीट या पीएनएल बना रहे होंगे तो आप जो नेट एसेट्स में एडजस्टमेंट पार्क करेंगे तो वो टेक्निकली बैलेंस शीट के प्रॉफिट को एडजस्ट कर रही होंगी, और वही प्रॉफिट जो आपके पीएनएल से रूट होके गया होगा। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है कि आपके पास रिटेन अर्निंग में अनएडजस्टेड प्रॉफिट होता है, आप ग्रुप रिजर्व और नेट एसेट्स के अंदर आप ही लोग हैं जो एडजस्टमेंट्स को पार्क करके उसको एडजस्टेड में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पे एडजस्टमेंट पार्क करने का मतलब ये है कि क्या पीएनएल में भी पार्क हो गई? नहीं, पीएनएल में पीएनएल की एडजस्टमेंट होंगी, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की होंगी। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो खुद ब खुद एडजस्ट हो गया, क्योंकि वही प्रॉफिट था जो सेपरेट बुक से होके या तो सब्सिडियरी के नेट एसेट्स में गया था या पेरेंट के ग्रुप रिजर्व में गया था। तो वहां पे एडजस्टमेंट पार करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि पीएनएल में खुद ब खुद ही एडजस्ट हो गया, पीएनएल अभी भी क्या होगा? अनएडजस्टेड। तो इससे पहले आप सबसे पहले बनाएंगे अनएडजस्टेड पीएनएल और उसके अंदर वो तमाम इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट पार करेंगे। लेट से कि पेरेंट ने सब्सिडियरी को सेल की, सब्सिडियरी ने, तो पहले सेल्स को आपस की सेल से पूरा घुमा दोगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी पूरा रिवर्स करोगे, फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से सीओजीएस को इंक्रीज कर दोगे, फिर अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी तो उसकी वजह से जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा वो भी आप ही लोग पार करोगे, ऐसा ही है। अच्छा, अगर कोई इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल है वो भी आप लोग पार करोगे, क्लियर है जी? ये तो बात यहां तक कंक्लूड हो गई। इसके बाद इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल अगर करने के बाद कि अगर कोई, मैं ये देखता हूँ कि सेपरेट बुक्स का एरर है और सब्सिडियरी की बुक से रिलेट करता है, तो वो जो आपको अनएडजस्टेड पीएनएल मिला हुआ है उसके अंदर वो नहीं है, आप यहाँ पार्क करेंगे। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे तो उसको वहां भी पार्क करना, क्योंकि सेपरेट बुक्स में भी वो शामिल नहीं है, तो आपने जो सेपरेट बुक का प्रॉफिट पिक किया होगा उसके अंदर भी वो इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर हमने कहा कि भाई अगर कोई सब्सिडी ने डिविडेंड दिया है तो आप उसको पूरा नहीं अपना हिस्सा कटा दोगे, पर याद रखिएगा बैलेंस शीट में आपने इसको हटाना नहीं होता क्योंकि उसके नेट एसेट्स में होता है, क्योंकि उसके अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और हमारे ग्रुप रिजर्व में होता है वो घूम फिर के जीरो हो जाता है। पीएनएल में वो जीरो नहीं होता है क्योंकि वो हमारी इनकम है और सामने वाले का एक्सपेंस नहीं है। चलो मैं व्हाट इफ कहता कि कोई एक्सपेंस भी हो तब भी तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि बैलेंस शीट में एक्सपेंस इनकम नेट हो जाते हैं, पीएनएल में नेट तो होते हैं बट प्रेजेंटेशन का मसला होता है। याद आ रही है बात कि अपने आप से इनकम नहीं दिखा सकते, अपने आप पे एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, तो बैलेंस शीट में क्यों नहीं नेट करते, इसको हटाते क्यों नहीं है? नेट हो जाता है, बैलेंस शीट में दिखता नहीं है कितनी इनकम है, यानी यूं कह सकता हूँ बैलेंस शीट में नहीं दिखता कि किस नाम से, ऑन द फेस ऑफ इट नाम से नहीं दिखता। बैलेंस शीट में से मसले होंगे रिसीवेबल और पेएबल के, किसके मसले होंगे? रिसीवेबल और पेएबल के। हाँ, बाकी जो हमारे इनकम स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट में होंगी, बैलेंस शीट की है बैलेंस शीट में होंगे। सिर्फ इतना बताता चलूं, आपने बैलेंस शीट में सिर्फ उन गेन्स को एडजस्ट करना होता है जिसकी वजह से इंक्रीमेंटली इफेक्ट हो। लेट से गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी इंक्रीमेंटल इफेक्ट हो तो वो पूरा कैंसिल आउट नहीं होता। अच्छा, पर उसमें से मैं अगर पूछूं पेरेंट ने सब्सिडी को या सब्सिडी ने पेरेंट को कोई पीपी बेचा है उस पर कोई गेन आया होगा, पर आप ये सोचें कि जो एक ने गेन कमाया है दूसरे का ये लॉस नहीं है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट, तो ये जीरो नहीं हो रहा। जीरो हो रहा है कुछ हद तक डेप्रिसिएशन की वजह से, तो जीरो नहीं हो रहा, कुछ कम हो रहा है, तो आप रिवर्सल किससे करते हो? रिमेनिंग से। भाई बात याद आ रही है ना, हम रिमेनिंग से करते हैं, रिमेनिंग से इसलिए क्योंकि खुद कुछ जो कुछ है वो खुद ब खुद रिवर्स हो चुका है, जो बाकी बच गया हमने उसको रिवर्स कर दिया। कि कौन सी अप्रोच से कैरिंग अमाउंट है, क्या होनी क्या चाहिए, सही है जी? पर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर सोचो बाकी एक्सपेंसेस का, तो बाकी एक्सपेंसेस में भी तो हम यही करते हैं ना कि एक्सपेंस पूरा होता है, इनकम पूरी होती है, वो पूरी जीरो हो जाती है, उसमें मैं छेड़खानी नहीं करता। पर हाँ, अगर रिसीवेबल पेएबल का मसला होता है वो हटाता हूँ। कहाँ से हटाता हूँ? बैलेंस शीट से।
पर अगर इसी एस्पेक्ट को आप देखें कहां से, पीएनएल के पर्सपेक्टिव से, तो इनकम इनकम में होगी, एक्सपेंस अल्टीमेटली अभी भी जीरो हो रहा है, पर अब यहां पे दिख रहा है कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंस ज्यादा है, तो आप दोनों को हटा देंगे। पहले भी इंपैक्ट जीरो था, अब भी इंपैक्ट जीरो, प्रेजेंटेशन सही हो गई है, क्लियर है जी। और फिर आपने वर्किंग खत्म नहीं करनी है, आपको देखना है क्या कोई आपकी एसोसिएट तो नहीं है। अगर आपकी कोई एसोसिएट है तो आप सबसे पहले एसोसिएट की प्रॉफिट का अपना शेयर ले लेंगे, उसको मैं कहता हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, वो होगा अनएडजस्टेड, सही है जी। वो क्या होगा? अनएडजस्टेड, वेरी गुड। जब वो अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा तो आपको एक और बात याद आनी चाहिए कि हो सकता है देयर माइट बी सम इंपेयरमेंट जो कि अब तक बुक नहीं हुई होगी, तो आप उसमें से कटा देते हैं रेलेवेंट लाइन आइटम में से। और अगर आपकी कोई बार्गेन परचेज गेन है तो वो भी आप बुक करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इक्विटी अकाउंटिंग, क्योंकि सेपरेट बुक्स में वो कॉस्ट पे कैरी हो रहा होता है, तो ये गेन आप बुक कर रहे हैं तो पीएनएल में भी आपने बुक किया था। तो एक आखिरी बात पूछता हूँ, ग्रुप रिजर्व में पार्क किया तो था, वो बैलेंस शीट है, वहां पे बैलेंस शीट की इक्विटी एडजस्ट हो गई है पीएनएल एडजस्ट, क्योंकि इसका कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होता कि एक एंट्री मारोगे तो यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आप ही को एडजस्टमेंट करनी है, याद आ रही है बात? चलें जी, इसके बाद फिर आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री जो एसोसिएट ने बेची हो किसको, पेरेंट को, तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट में शामिल होगी, पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी होल्डिंग परसेंटेज वहां से कटा दोगे। अगर पेरेंट ने एसोसिएट को कुछ बेचा है तो एलिमिनेट करना है प्रॉफिट किसका, प्रॉफिट किसका एलिमिनेट करना है, पेरेंट का, और पेरेंट के प्रॉफिट को कम करने के लिए सीओजीएस होल्डिंग परसेंटेज से, सही है जी। अच्छा भाई, ये सारी कार्यस्थानियां करने के बाद एक और चीज बस याद रखना है कि अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ एसोसिएट का, तो उसके भी होल्डिंग परसेंटेज का इंपैक्ट आएगा, वो भी कहां पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट में, और कोई एसोसिएट से कमाया हुआ डिविडेंड है वो आप इन्वेस्टमेंट इनकम से क्या करोगे, कटा दोगे। हटा क्यों रहे हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऑलरेडी है, कितनी बार हो जाएगा वरना, दो बार, तो इक्विटी में क्यों नहीं करते, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्यों नहीं करते ये हरकत, डिविडेंड क्यों नहीं हटाते। नहीं, गलत, बैलेंस शीट में इसलिए नहीं करते क्योंकि बैलेंस शीट में जो तुम इक्विटी यूज करते हो उसके अंदर डिविडेंड होता ही नहीं है, वो सिर्फ अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इक्विटी यूज करके कौन सा आता है, मैंने प्रूव भी किया यार 10 बार, मैंने कहा कि बैलेंस शीट में जब इक्विटी यूज करते हो तो इक्विटी में सिर्फ क्या निकलता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो डिविडेंड है वो भी तो रिकॉर्ड होना है, वो ऑलरेडी है, वो तुम्हारे रिटेन्ड अर्निंग में ऑलरेडी होता है, ऐसा ही है। डिविडेंड की अमाउंट तुम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होते हो सेपरेट बुक्स में रिटेन्ड अर्निंग के अंदर, जो बचा कुचा होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लेके आ जाते हो, दोनों को मिला के वही शेयर ऑफ प्रॉफिट बन जाता है। वहां पे लाइन आइटम अलग इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पे दिखता नहीं है किस नाम से इनकम बुक हुई है, पर यहाँ पे दिखता है, इसलिए प्रेजेंटेशन का यहाँ पे ख्याल रखना है। ऑनलाइन वालों, तुम सब यहाँ तक कोई पंगा? चलिए जी, आपका जैसे ही एडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल आ गया, उसके आपको पता है कि भाई तीन कंपनीज का है वो, पेरेंट, एसोसिएट, सब्सिडियरी, पंगा किस पे? आपने सब्सिडियरी का प्रॉफिट पिक किया, सही है, उसमें एडजस्टमेंट पार्क की, एडजस्टमेंट या इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट, इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट, और वो जो सब्सिडी ने पेरेंट को बेचते हुए या कोई एरर, आपने वो सारी चीजें कटाई और आपको पता लगा कि वो प्रॉफिट मिल गया जो जमा हुआ है, आपने उस पर होल्डिंग परसेंटेज लगाई एनसीआई की, बाकी सारे पैसे किसको दे दिए, बाकी सारे पैसे पेरेंट को देने का मतलब यह है कि पेरेंट का अपना, एसोसिएट का और सब्सिडी का हिस्सा सब आ जाएगा। चलिए जी, बेहतरीन है। अब एक प्रश्न देते हैं आपको, मालिक बोलना पड़ेगा उसको, कितने को उस सवाल के बाद तो तुम्हें आसान लगना चाहिए, ग्रुप में भेज रहा हूं। भाई ये सही करना है यार, अभी भेज रहा हूँ बस।
बेटा अगर ये कोई बंद हुआ है ना इसमें से चीज पूरी और सुन लूंगा वैसे कम से कम यही बढ़िया मेरे पास चलिए ग्रुप पे आ गया जानी ग्रुप पे आ गया पार्टी बता दो ऑनलाइन वालों ओके जी बेहतरीन है। अच्छा मैं आपको सवाल सॉल्व करने की अप्रोच ये बता दूं, जब भी बैलेंस शीट पीएनएल कंबाइन आएगा तो आप सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, इसलिए क्योंकि बार्गेन परचेस गेन वगैरह या इंपेयरमेंट का कोई मंजन हो सकता है। सही है जी, आपका समय शुरू होता है। आप बिल्कुल ऐसा ही शेख भाई, ये टाइम कंस्ट्रेंट के साथ है, ये आपसे 30 मिनट में हो जाना चाहिए, 30 मिनट में आराम से हो जाएगा। अभी तुम लोग चीते हो उसमें, तो ये देखो वो जो कैलिबर का सवाल था उसमें तुम्हें टेंशन होनी चाहिए थी जो कल किया था, ये तो तुम्हारे लिए मतलब हाथों का मैल है। अब तुम बोलोगे अभी धोखे हैं जल्दी कीटाणु हाथ पे लगे ना चले जी बेकार जोकों पे बोल रहा है, इसके पैदा होने भी लोग हंसे थे, वो भी एक जोक था, लोग बता ही देते हैं इसको, बोले ये क्या मजाक हुआ है। देख रहे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है सुना तो किसी ने भी नहीं था अच्छा अली अहमद आज लीज इसलिए नहीं क्योंकि उसके लिए कोई प्रॉपर 4 घंटे की क्लास लगाऊंगा जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और फिर कोशिश ये करेंगे कि हर एक शेड्यूल बनाए लीज के लिए। सही है, तो इसलिए मैंने कहा कि आज पीएनएल करा देते हैं ताकि इसको खत्म कर दें। तो देखो आपको मिलेगा गुडविल तो निकालोगे ना, फिर इम्पेयर हो गई होगी, बिल्कुल जीरो हो गई होगी, ग्रुप रिजर्व में कौन पार्क करेगा, गुडविल निकालोगे तो ही इम्पेयर करोगे ना। भाई गुडविल कितनी आई, 1260
हो सकता है सही हो। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ रहा है? 1.5 आप करो तक दो साल हो चुके हैं इस कंपनी को एक्वायर किए हुए, सही है। रिपोर्टिंग डेट पे तुम लोगों ने रिटेन अर्निंग 12 रखा, अठारह दो सौ शेयर कैपिटल 8,000, लैंड 200, बिल्डिंग 180, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मशीन की एडजस्टमेंट, मशीन की इसलिए होगी क्योंकि उसने एक्सपेंस चार्ज कर दिया पूरा। देखो नेट एसेट्स में तब आता है जब एक्सपेंस या इनकम का मसला हो, उसने नहीं किया। अब आपको वर्किंग करनी पड़ेगी शुरू से कि एक्सपेंस कितना चार्ज होना चाहिए था, हुआ कितना, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पार्क होगा। भाई देखो उसने पीपीई का सुनो उसने पीपीई का सीधा एक्सपेंस कर दिया है। रीड करो उस एडजस्टमेंट को, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि उसने पीएनएल में चार्ज कर दी है एक्सपेंस के तौर पे। देखो ना, रीड करो। ऑन जनवरी 1, 2011 SL purchased a wrapping machine for packaging of its finished material to avoid damages during distribution of goods. The cost of machine 500 million thi after trade discount. So, usme koi adjustment nahi hogi kyunki after trade discount hai. Which was charged to P&L. Yani, aapka PPE debit. Depreciation is charged at a rate of 20%. To aap accordingly dekhen phir kya kar sakte hain aap. यार ये तो मैंने गलत किया, तुम लोगों को बताया, आपने कर लिया था ये भंगी, तूने ये नहीं पिक किया। ग्रुप रिजर्व का टोटल बताऊं? मोहम्मद अवेज कह रहे हैं सर अब सॉल्व करवा दें। नहीं सर, अभी तो पीएनएल बाकी है तुम्हारा। 9 बजे क्या तुम्हारा ग्रुप रिजल्ट क्या है? भाई 26,500 का रिटेन अर्निंग पेरेंट का, पोस्ट एक्विजिशन 1 to 8 इम्पेयरमेंट आ गए 1 to 60, अनरियलाइज प्रॉफिट 38 का, और सर शेयर ऑफ प्रॉफिट 504, हाँ तुमने नेट किया ना उसको? नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट रिपोर्टिंग पे कितने हैं? 18,520 एसोसिएट के, सही है जी, 18,520 सही है, सही है।
वही जो तुम्हारा आ रहा है नहीं, पहले इसने कुछ और बताई थी। सही है, रिटेन अर्निंग। बिल्कुल सही है। तुम्हें आसान लग रहा है नहीं, मतलब वही इसमें सारी चीजें जो पास पेपर में होती हैं। अभी ये पूछ रहा था मुझसे कि मतलब मेरिट के लिए और क्या क्या करूंगा। क्या बोल रहे नहीं, इसने बोला कि ये तो बता। नहीं, वैसे भाजपा ने पूछा था आज कि सर मेरिट के लिए कुछ बताएं और सवाल। इसने मुझे बोला सर पास पेपर हो चुके हैं, आपकी बुक के सारे सवाल हो चुके हैं, ACCA के सारे कर चुका हूं, और कुछ बताएं। ICWA वाले ने बुलाया इसको कल सुबह। किसने बुलाया?
यानी ऑनलाइन वालों बैलेंस शीट हो गई। वो तो ऐसे ही सीखा था, वो भी ऐसे ही सीखा था, वो तो ऐसे ही करना पड़ेगा उसको। अभी फॉरन 10 मिनट है, कल शुरू हो जाएगा। चलो वैसे ये लोग तो कह रहे हैं कि सर शुरू करा दें, वैसे इतने टाइम हो जाना चाहिए। अच्छा भाई इधर प्लीज फोकस करिएगा, आप लोगों के पास ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, तुम खाली डिस्कस करते हैं तो जल्दी आ जाओ। सर सबसे पहले बैलेंस शीट में 8000 हमारे नेट एसेट्स में शेयर कैपिटल आ गया सब्सिडरी का, ये रिटेन्ड अर्निंग आपको गिवन है, ये भी आपको बैलेंस शीट में गिवन है, सही है जी। आपने ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, बिल्डिंग की भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, और ये 180 आपने ऐसे निकाला है कि 300 इसकी लाइफ कितनी है, 180 है। चलिए जी ये आपकी यहाँ आ गई अमाउंट। फिर हमने ये देखा क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो सब्सिडी ने बेची हो पेरेंट को, ऐसी है इन्वेंट्री। अच्छा जी तो उसपे आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल लिया, वो आ गया 13 का, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब एक और चीज इसमें सब्सिडी ने यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ऑन January 1, 2011 सब्सिडी ने परचेज की थी एक रैपिंग मशीन 500 मिलियन की, जो कि अमाउंट दी हुई थी आफ्टर डिस्काउंट। इस कंपनी ने इसको चार्ज करवा दिया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि होना चाहिए था कैपिटलाइज। चलिए जी तो अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहां पे इसको क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये सेपरेट बुक्स का एरर है, उसके नेट एसेट्स गलत है, तो पहले इसको सही करें। चलिए जी इधर देखते हैं। सर आपको ये पता है कि भाई एंट्री ये बनी है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बननी चाहिए थी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। मुझे बताओ कैश का तो कोई इशू नहीं है, कैश की एंट्री बिल्कुल सही बनी है, ऐसा ही है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं देखूं ये कहानी बताई गई थी January 1, 2011 की, तो 11 के 6 महीने और पूरा 12 का साल, तो क्या 1.5 इयर्स ये एसेट चल चुका है? तो अगर मैं एक्सपेंस के हवाले से सोचूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंस जो बुक होना चाहिए था सिर्फ डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था, हुआ है पूरा 500 मिलियन। तो आओ एक एक करके, आपने सबसे पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन ये निकाल लिया और फिर अगले पूरे साल का ये निकाल लिया, तो आपको ये पता है कि आपका पीपी रिकॉर्ड होना चाहिए था दिस माइनस दिस
माइनस दिस कितना 360 से पीपी रिकॉर्डिंग चाहिए बैलेंस शीट में। अब मुझे एक बात बताओ, इधर आपके पास आपको यहां पता होना चाहिए कि आपका एक्सपेंस 500 मिलियन बुक हुआ है, जबकि आपका एक्सपेंस होना चाहिए रिवर्स। आपके सामने आपका एक्सपेंस होना कितना चाहिए 90 और 50 140। हुआ है कितना है 500 का, कितना ज्यादा हुआ है 360, और ये वही अमाउंट है जो आपका डेप्रिसिएशन और उसका डिफरेंस है। तो यानी इसी से अमाउंट कैपिटलाइज होगी, इसी से आपका जो एक्सपेंस है क्या होगा रिवर्स होगा, और एक्सपेंस रिवर्स होने की वजह यह है कि इसको ओवर द पीरियड करना था। क्लियर है? 150 का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा ना शर्जील, रिड्यूसिंग बैलेंस है। खुद देख लो 90 और 50 का सम कितना होता है 140। और जो दूसरी मशीन सेल की गई है एसएल को, बेटा वो पेरेंट ने की है, आई थिंक सब्सिडियरी को, ऐसा ही है, पेरेंट ने सब्सिडियरी को की है ना, तो उसकी एडजस्टमेंट कहां आती है ग्रुप रिजर्व में। अच्छा, क्या आप सब लोगों ने 360 को ऐड किया था? ये बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट बनाते वक्त आप लोगों को इसको बैलेंस शीट में भी ऐड करना है, क्योंकि इससे आपका पीपी अंडर शेड हुआ हुआ है, एक्सपेंसेस ओवर शेड हुए हुए थे वो सही हो गए। चलें जी, कितने ऐसे जिनका ये सही आया, बेहतरीन जी, वेरी गुड। आपके पास पोस्ट एक्विजिशन ये आ गया, पेरेंट और एनसीआई में आपने ये बांट दिया, कोई पंगा? चलें जी, आपने कंसिडरेशन पिक की, इसमें कंसिडरेशन निकालने का था ही नहीं, आई थिंक सीधा सीधा हिसाब किताब का दिया हुआ था। चलें जी, ये आ गया जी। इसके बाद नेट एसेट्स आपने पिक किया, 80% आपकी गुडविल ही आ गई। फिर उसने आपको ये कहा कि 2011 में ये सारी गुडविल इंपेयर हो गई है, तो ये एज एड के लॉसेस में तो आएगी। याद रखना भाई, आपको ये बाबू बातें नहीं, आपको याद होना चाहिए कि इसका कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, तो आपने पूरी ये गुडविल राइट ऑफ की होगी, वो एक्विटी में गई होगी। अच्छा, पर एक बात याद रखना, ये इस साल का लॉस नहीं है, पिछले साल का है, तो आप एक्विटी में इसलिए पार्क कर रहे हो क्योंकि सेपरेट बुक्स में उसका इंपैक्ट अभी नहीं है ना कभी होगा, अब हर साल पार्क करेंगे। क्लियर है? तो सर आपने 1260 यहाँ पार्क किया, आपने डे वन पे एनसीआई को उसके शेयर से क्रिएट किया, और पोस्ट एक्विजिशन यहाँ ले आया, कुल मिला के आ गया 5385.4। ये भी सही है भाई, चलें जी, बेहतरीन है। अब ग्रुप रिजर्व में आपने 86500 रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट पिक किया, पोस्ट एक्विजिशन आ गया, इंपेयरमेंट आ गई। आपने, प्लीज समझिएगा, आपको इसमें यह भी पता है कि पेरेंट ने कोई इन्वेंट्री बेची है किसको, सब्सिडरी को। आ जाए भाई, ये देखें इधर, ये रही एडजस्टमेंट, प्लीज इधर देखना, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा, ये मिस नहीं करना। फुजैल इधर, ये दोनों पर्सपेक्टिव से समझाना है, बिल्कुल सही है ना, हम कह रहे हैं सर कल वाले सवाल के बाद तो ये सिर्फ मोटिवेशन ही है हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, देखो यार मैं फिर बता दूं, 5 पेपर तुम्हें करा दिए, उसका भी लेवल कुछ नहीं है, उसमें फिर बता दूं 2 एडजस्टमेंट आती है मैक्सिमम, तुमने उससे ज्यादा कई चीजें की हुई है। सही है जी, तो अब मेरे ख्याल से बाकी सवाल आपसे हो ही जाने चाहिए। सही जी, आसान ही लगेंगे इंशाल्लाह इधर। अच्छा भाई, आप अब प्लीज इधर देखें, पीएनएल बैलेंस शीट दोनों से लिंक करूंगा, तो फोकस होकर देखना इधर। पेरेंट ने ये एंट्री बनाई होगी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और सीओजीएस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, गलत तो नहीं बनाई, अपने हिसाब से बिल्कुल सही बनाई है। बैलेंस शीट पीएनएल दोनों सोचना है मैंने इधर। मुझे एक बात बताओ, सब्सिडियरी ने एंट्री बनाई होगी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपी क्रेडिट, कब बेचा गया था ये पीपी, साल के बीच में, कौन सी डेट पे? 1 जनवरी, अप्रैल, और हमारा ईयर एंड क्या है? अच्छा, यानी अप्रैल में जून, 3 महीने, तो क्या ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन कंफर्म करो सही बुक किया हुआ है? अच्छा, सब्सिडी ने ये किया हुआ है, पेरेंट ने वो किया हुआ है। अच्छा, अब एक चीज सिखाता हूँ, व्हेन इट कम्स टू अ ग्रुप अकाउंटिंग, तो आपको ये पता है कि पेरेंट और सब्सिडी एक ही एंटिटी है। अगर तुम इसको एक ही एंटिटी मानते हो तो ये चीज ग्रुप के अंदर आई थी कोई 200 की, अगर पीपी बनाना ही था तो कितने को बनाते, 200 को। ये बात समझ आई कि ग्रुप के अंदर एक चीज अगर 200 की आई थी और अगर पीपी बनाना ही था तो 200 बनता, तो डेप्रिशिएट भी 200 ही होता। ये पूरी कहानी समझ आई? अच्छा जी, तो दैट मींस किस तरह, एक एक करके देख लेते हैं सीन क्या है। यानी दिस इज पीपी फॉर ग्रुप, नाउ थिंक दैट इफ इट वुड हैव बीन कैरीड बाय अ पेरेंट
एज अ पीपी दिस वुड हैव बीन द कैरिंग अमाउंट कंसिडरिंग 200 मिलियन. वो बोला आप सोचो कि कैरिंग अमाउंट क्या होती अगर ये कहानी शुरू हुई होती 200 मिलियन से. क्लियर है? अच्छा जी, अब इधर देखें, मुझे एक बात बताएं, इफ पेरेंट वुड हैव कैरीड दिस एज अ एसेट, तो पेरेंट क्या करता, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट ये कर चुका होता, डेप्रिसिएशन कितना बुक करता. ये 10 कैसे आया भाई, 3 महीने का 200 पे. चलिए जी, अब मैं इसकी क्यूमुलेटिव एंट्री बनाता हूँ. सही है जी, इधर देखिएगा, ये गेम यहाँ से समझ आएगी तुम्हें पीएनएल में क्या हुआ. वो ऐसी एंट्री आई नहीं है खैर आज तक, उसमें सिंपल सिंपल आता है क्योंकि एक की सेल है दूसरे का पीपी है. तो मैं पीएनएल की विद रिस्पेक्ट टू एंट्री बैलेंस शीट से भी लिंक कर दूंगा. पहले बताओ आपस को सेल हो सकती है, हटा दूं आपस की सेल्स हटा दी, कितने से, क्योंकि कौन सी सेल मानी जाती है ग्रुप के. अब ये तो ग्रुप के बाहर बिक ही नहीं सकता, पीपी बन गया, बात आई समझ. तो आपस की सेल हमने कटा दी, इसमें कोई पंगा. अब वो वाली अप्रोच यहाँ फेल हो जाएगी कि सेल्स को भी रिवर्स करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी उससे रिवर्स करो. गलत क्यों है बताता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब सब्सिडियरी कुछ बाहर बेचता है तो वो भी सीओजीएस चार्ज कराता है, तो उसका इम्पैक्ट, तो ये तो है ही पीपी, तो सामने वाले की सीओजीएस का सवाल ही पैदा नहीं. तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी पे जाना है, यहाँ पे एक्यूरेसी पे. आप सुनिएगा मेरी बात, जब आप कह रहे हैं, प्लीज समझना, जब आप खुद ये कह रहे हैं कि भाई सेल नहीं होनी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से सीओजीएस भी बुक होना ऐसा ही है. और आपका पीपी कितने से कम हो जाना चाहिए था, 40 से. यानी आपने जो पीपी 200 का 240 में बेचा था, तो सामने वाली की बुक में 40 से ज्यादा हो गया ना, तो हमने 40 से रिवर्स कर दिया. अब एक भंड तो सही हो गया, गेम रिवर्स हो गया, क्योंकि पीएनएल में गेम गेम से रिवर्स होता है, एक्सपेंस एक्सपेंस से रिवर्स होता है. अब आगे सुनिएगा, समझने की ट्रांजेक्शन नहीं है. फिर आपकी सब्सिडरी ने इसको डेप्रिशिएट किया 240 को, और उस पर डेप्रिसिएशन बुक हुआ हुआ है 12 का, होना चाहिए 10 का. तो मुझे एक बार बताओ कितने से ज्यादा, 2 से. तो मैं पीपी को कर दूं डेबिट और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट. ये बात समझ आई, सिंपल सी बात है कि अब अच्छा इसको यूं भी देख सकते हैं आसानी के लिए, तो देखना नेट अमाउंट. इधर सुनो, पीपी होना चाहिए, वो देख लेते हैं, होना चाहिए था 200 का, डेप्रिसिएशन कितना बुक होता 10, कैरिंग अमाउंट होती 190, है कितने पे 240 माइनस 12 228, एडजस्टमेंट कितने की, कितने की, अब इसकी एडजस्टमेंट आ रही है, ऐसा ही है. आप अभी भी देखें आपके पीपी की एडजस्टमेंट कितनी आ रही है, प्लीज सुनना, 40 से कम हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है, ऑफिस से आ रही है. यानी पीपी होना ऑफिस पे चाहिए था, ऑफिस से कम होना चाहिए था, अभी भी कितने से कम हो रहा है, ऑफिस से. और मैंने यहाँ पे नेट इम्पैक्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपको पीएनएल भी बनाना है, तो पीएनएल में सेल का इम्पैक्ट सेल में जाएगा, सीओजीएस का सीओ, डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन में. प्रेजेंटेशन का ख्याल रखा आपने भाई, ऑनलाइन वालों और तुम सब कोई मसला, क्लियर है, फंसी है, क्लियर है एडजस्टमेंट. चलिए जी, यानी सर ऐसी एडजस्टमेंट आई नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आया नहीं, सही है जी. तो आपको अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए, याद रखना ये वाली एडजस्टमेंट बड़ी अहम है. ये जो हमने कल सवाल किया था ना, उसमें भी थी ये, और उसमें सिर्फ एक काम था कि आपको मैंने बनाने को नहीं बोला था क्या पीएनएल, क्योंकि उसके अंदर एक चीज डालना रह गई थी बस, कि पीएनएल गलत दिया हुआ, सही है, वो अलग हो जाता सीन, पर ये इसमें आपको बनाना है. इधर जी, अच्छा आगे, अब मुझे एक बात बताएं, आपने देखें यहाँ पे 38 से नेट पार्क किए, और यहाँ पे 38 से नेट पार्क करूँ तो बात समझ आती है, क्लियर है कि नेट बेसिस पे यहाँ पे दिखता नहीं है सेल कितनी है, सीओजीएस कितनी है, पूरा पंगा प्रॉफिट का कितने का है ऑफिस का, सही है जी. यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सेल सीओजीएस को रिवर्स करो, डेप्रिसिएशन नेट करो, ऑफिस का ही आता है अमाउंट, सही है जी. इधर अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें बात करनी है शेयर ऑफ प्रॉफिट की, यहाँ पे ये फिगर सही करवा देना, ये रिटेन अर्निंग एक्विजिशन की कितनी आ रही है इसकी, 10260, इसका टोटल 1760, यही है, और ये कितना 7408, ये सही है. ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी,
अगर डिविडेंड होता वो मेरे पास ऑलरेडी होता, ये दोनों मिला के शेयर ऑफ प्रॉफिट बन जाता, बैलेंस शीट की बात करता हूँ, सही है जी। तो क्योंकि इसमें डिविडेंड का सीन नहीं है तो सिर्फ यही है, यानी अब तक मुझे कुछ रियलाइज नहीं हुआ, क्लियर है। चलिए जी, अब ये 504 मैंने यहां पे आके पार्क किया। अच्छा, क्या एसोसिएट ने पेरेंट को कुछ बेचा है? अच्छा, तो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट का होल्डिंग परसेंटेज 6.4 ही है, तो आपके पास ये बता दो, भाई सबका यही है, बेहतरीन हो गया। अब खाली देखो बैलेंस शीट बन सकती है सुकून से, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए। हमने सबसे पहले पीपी पिक किया और सर 14,000 और 17,500, ऐसा ही है। चलिए जी, 14,000 और 17,500 में एक एक करके देखते हैं, 200 ऐड करो, 180 ऐड करो और 360 ऐड करो, और इसके बाद ये 38 माइनस करो, यही है। वेरी गुड जी, सब्सिडी का पीपी है, ग्रुप के लिए पीपी माना जाएगा ये, सही है। पीपी बता देता हूँ वापस, 14,000 17,500, 14,000 में 17,500 ऐड करो, 180 और 360, इसमें से ये 38 माइनस कर दो, ग्रुप रिजर्व वाला ये रहा। कौन सा नहीं समझ आया, स्पेसिफिक पूछो ना। नेट एसेट वाला नहीं डालोगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया है ना, ऐड सही है इधर। अच्छा, एक और चीज, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट आपको कितने पे दी हुई है? 13,500, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, प्लीज इसके अंदर आप मुझे ये 504 ऐड करें और 6.4 लेस नहीं करना, ये एसोसिएट टू पेरेंट है, इन्वेंट्री में इंपैक्ट आता है इसका, ये बात याद रखिएगा, इन्वेंट्री में इंपैक्ट आता है। तो कितना आ गया आंसर? 14, चेक कर लो, यही है 14,004। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कॉस्ट में आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दिया, ये इन्वेंट्री में इंपैक्ट जाएगा, अनरियलाइज का वहां नहीं आएगा। ये इन्वेस्टमेंट में तब आता जब पेरेंट बेचता किसको, एसोसिएट को, याद रखिएगा ये बात। अच्छा भाई, लोन की अमाउंट सीधी सीधी है। अच्छा, इन्वेंट्री फीस कैलकुलेटर अपने पास रखे भाई, 14,000 और 12,000 ये आ गया। अच्छा भाई, इसके अंदर से आप ये माइनस करें, 13 माइनस करें, और सर इसके बाद आप माइनस कर दें ये 6.4, यही है 25981। चले जी, अच्छा डेटर्स के रिलेटेड कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं बोला तो हम होशियारी भी नहीं करेंगे, अगर वो बोलता तो सिंपल रिसीवेबल का रिसीवेबल पेएबल का पेएबल से हटा देते, कैश एंड बैंक में भी कोई पंगा नहीं है। आपके पास फुडिंग आ गई 9026, ये नहीं है बल्कि चेंज हो जाएगी, कितनी आ रही है 9068, कितनी आ रही है सॉल्व, ये नहीं आ सकती ना, अच्छा जी बिल्कुल, अब आगे सुनो, ये सही था, बेहतरीन इधर। अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, अ फोकस, शेयर कैपिटल पेरेंट का, ग्रुप रिजर्व आपने यहाँ पे लिख देना 38501.2, एनसीआई सही है, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटीज 90286.6, ऐसा ही है जी। अच्छा प्लीज इधर, या प्लीज यहाँ पे फोकस करके तुम लोगों ने जल्दी से मुझे तुम बना के दे दो भाई अनएडजस्टेड पीएनएल, जल्दी बनाना जानी स्पीड में, और वो सब्सिडियरी को खरीदे हुए एक साल हो चुका है,
तो दैट मींस के उसके पूरे बैलेंसेस आएंगे। जल्दी से अनएडजस्टेड बना के दे दो। बन गया ना एडजस्टेड। हो गया। चलिए जी सर, अब मुझे इसके अंदर फॉर द ईयर की मूवमेंट्स को ऐड करना है। देखो बैलेंस शीट थी एज एड की। अब एक एक करके सुनिएगा। इस वाले सवाल में पेरेंट एंटिटी ने कोई सेल की थी, तो हमने इसकी सेम एंट्री तो नहीं बनानी जो यूजुअल बनती है सेल को इंट्रा ग्रुप से, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप से। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट वाला पंगा नहीं है। सही है जी। आपको अकॉर्डिंगली जो हेड में जो चीज पार्क हुई हुई है यहाँ से वो निकालनी पड़ेगी। ऐसा ही है, आपने सेल्स को रिवर्स कर दिया 240 से। सर ये आ गया 240 और ये 200। सही है जी। अच्छा जी, इधर अब मुझे एक बात बताएं, ये 240 से ये रिवर्स हो गया, COGS ये रिवर्स हो गई, अल्टीमेटली जीपी जो था हमारा रिवर्स हो गया। अच्छा, अब वो जीपी रिवर्स होने का मतलब ये कि पीपी रिड्यूस हो गया। देखो ये रही एंट्री उसकी, वो बैलेंस शीट में ऑलरेडी पार्क हो चुका है। इधर अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ हुआ है। जब तुमने गेन रिवर्स किया तो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स करो, जो कि इंक्रीमेंटल बुक हुआ हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, वो COGS में पार्क हुआ हुआ है उसको भी क्या करूं, हटा देंगे। तो सर आपने ये माइनस कर दिए यहां से, इसका कोई पंगा। चलिए जी, क्या कोई सब्सिडी ने सेल की है पेरेंट को? सब्सिडी ने कोई सेल की है? यस सर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था उसके ऊपर। आपने 260 से सेल को भी कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी कम किया, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से COGS को। इसके ऊपर वो शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये हमारी भी इन्वेंट्री थी, उसकी भी इन्वेंट्री है। उसमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने पीपी बना दिया। तो आपको उसमें अकॉर्डिंगली देखना है, प्लीज समझिएगा, आपको उसमें अकॉर्डिंगली देखना है कि सेल और COGS का रिवर्सल पीपी में जा रहा है, और फिर जब तुमने गेन रिवर्स कर दिया तो उसका डेप्रिसिएशन भी क्या होना चाहिए था, रिवर्स, पूरा नहीं इंक्रीमेंटल। क्लियर है जी। सर ये तो सेल से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गई। मुझे एक बात बताओ, यहां पे इस साल जो आपने गलती से पीपी को कैपिटलाइज करने के बजाय एक्सपेंस आउट किया था, उसका इस साल एक्सपेंस तो आना चाहिए था कितना, 90 का, जो कि बुक नहीं हुआ। हमने देखो वो 90 से ये बुक कर लिया। और जो सर बाकी का, सुनना मेरी बात, जो बाकी का आपका लॉस का रिवर्सल है वो रिटेन अर्निंग में होगा, वो इस साल का नहीं है। मैं फिर बता दूं, पीएनएल बनता है फॉर द ईयर का, तो लास्ट ईयर की जो भी गलतियां हैं वो एक्विटी में सही होंगी, यानी वो रिटेन अर्निंग में जाएंगी। इस साल की गलती सिर्फ इस साल में। तुम खुद देखो यार, ट्रू एंड फेयर व्यू की अगर तुम बात करो, तो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए इस साल से डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए था, 90 का, ये रहा आपका भाई 90 जो बुक नहीं हुआ था। ऐसा ही है। तो मुझे एक बात ये बताओ, आपने तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की थी, प्लीज सुनिएगा, 360 की थी, ये आज तक की है। ये कब तक की है? आज तक की है। हमें पीएनएल में सिर्फ इस साल की पार्क करनी है, तो बैलेंस शीट में आज तक की पार्क कर ली, पीएनएल में सिर्फ इस साल की, क्योंकि पीएनएल बनता है फॉर द ईयर का। क्लियर है जी। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ पे 90 पार्क कर लिया, आपकी जो बिल्डिंग थी उसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एक साल का कितना आपने उससे इंक्रीज कर दिया। क्लियर है। अच्छा भाई, अब इसके बाद
सर आपको ये पता है कि आपके पास ये वाली जो गुडविल है कब इम्पेयर हुई है? 2011 में। अभी क्या चल रहा है भाई? 2012। तो सर अब हम ये काम करें कि सर यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए ये सीधे सीधे हैं, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि मैं गुडविल की इंपेयरमेंट इसलिए पार्क नहीं करूंगा क्योंकि वो लास्ट ईयर से परिणत करती है। तो फिर एक्विटी में क्यों पार्क की? एज एट वो आज तक है तो वहां पे लॉस पार्क होगा। इधर अब मुझे एक बात बताओ, आपने लिखा हुआ सवाल में 2011 लिखा हुआ उसमें, चलिए जी अब मुझे एक बात बताओ, सब्सिडी जो एसोसिएट का प्रॉफिट है वो है 2520, आपका इस पे राइट है 6 महीने का, 6 महीने का प्रॉफिट जो भी आया आपका हिस्सा कितना बनता है? 40%। वो कितना आ गया चेक करो, यही आता है 504 आ गया। अच्छा 504 के बाद आपको पता है कि एसोसिएट ने भी कुछ बेचा है तो उसका होल्डिंग परसेंटेज 6.4। अच्छा जी आपने फिर ये रिवाइज कैलकुलेशन से प्लस माइनस करके शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 8071.6। अच्छा ऐसे ही एक बात पूछ रहा हूँ और जैसे पूछूंगा वो बताएगा वाजवा, ये 8071.6 और ये मैच क्यों नहीं हो रहा? ये 16,000 है, ये 16,002 सही है, वो एज एट है, ये फॉर द ईयर है इसलिए कम है, सही है जी इसलिए। अच्छा जी अब इधर मुझे पता है कि 8071.6 में 3 कंपनीज का प्रॉफिट है, पंगा किस पे? सब्सिडरी का। अच्छा मैं गया सवाल के अंदर, मैंने सब्सिडरी का सेपरेट बुक का प्रॉफिट पिक किया 3,500, तो 3,500 पिक करने के बाद सर ये रहा जी, इसमें से देखते हैं इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स कौन सी थी, पहले तो वो याद करो क्या इसकी सेपरेट बुक का कोई एरर था सब्सिडरी का? यस। अच्छा वो 90 का था, तो जो बाकी का अमाउंट है वो चला गया आपका कहाँ पे? रिटेन्ड अर्निंग में, वो ओपनिंग में एडजस्ट होगा। इधर अब मुझे एक बात बताओ, सेल ऑफ इन्वेंट्री जो सब्सिडी ने बेची थी उसका अनरियलाइज ये था, आपने सर यहां से कटा दिया, ये रहा जी, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जिससे सब्सिडी का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा, ये पार्क कर दिया। आपके पास ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट सब्सिडी का, आपने एनसीए का हिस्सा निकाल के बाकी पैसे किसको दे देने? पेरेंट को, जिसमें पेरेंट का अपना सब्सिडी का शेयर और एसोसिएट का पैसा खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा भाई अब एक दो सवाल और दूंगा ग्रुप के ऊपर, पीएनएल के दूंगा, सही है जी, अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, तो वो कर लेना 2 साल वाले, सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।